जैन मित्रों, अब अमल करते हैं गणित कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.6 का छठवां सवाल। छठवां क्वेश्चन है, हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना कि हरी की आयु 5x तथा हैरी की आयु 7x वर्ष है। चार वर्ष बाद हरी की आयु क्या होगी? इसमें 4 और जोड़ जाएंगे, 5x+4 हो जाएगी। और हैरी की आयु 4 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? जो भी आज की वर्तमान आयु है उसमें 4 जोड़ जाएंगे, है ना। तो हमने माना था कि वर्तमान में आयु 5x तथा 7x है, तो 7x में 4 जुड़ गए। उनकी 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? अभी 7:5 है, 4 वर्ष बाद ये हो जाएगा कितना? 3:4 ये हो जाएगा। तो अभी 5x+4/7x+4 बराबर क्या हो जाएगा? 3/4। ये अपना समीकरण बन गया। इसको आप वज्र गुणन अप्लाई कर देंगे अपन। वज्र गुणन के प्रयोग से वज्र गुणन में 4 का गुणा इस राशि में हो जाएगा 4×5x+4 बराबर 3 का गुणा इस राशि में हो जाएगा 3×7x+4। 4 का गुणा कर लेते हैं, 4×5=20x+4×16 बराबर 3×7=21x, 21x+3×12। अब पक्षांतरण कर लेंगे अपन। करने पर 20x+21x, चर राशि एक बाएं पक्ष में कर लें और अचर राशि दाएं पक्ष में कर लेंगे, 12×16। 20 में से 21 गए तो क्या बचा? -x बचा यहाँ पे। और यहाँ पे 12 में से 16 गए तो -4 बचा। दोनों तरफ ऋण है तो -1 का गुणा कर देंगे अपन, तो क्या हो जाएगा? दोनों तरफ धन हो जाएगा। तो x का मान आ गया, x की वैल्यू आ गई अपनी 4। तो हरी की आयु में, हरी की आयु कितनी मानी है अपन ने? 5x वर्ष। तो इसमें अपन x की वैल्यू पुट अप कर देंगे, x का मान रख देंगे, 5×4=20 ये हरी की आयु हो गई। अब हैरी की आयु, हैरी की आयु इसमें भी अपन 7x है, तो इसमें
एक्स की वैल्यू रख देंगे 7 गुणे 4 बराबर 28 वर्ष, ये हो जाएगा। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, 4 वर्ष बाद हरी की आयु हो जाएगी 24 और इसकी हो जाएगी 32, तो इसमें रेशो क्या आएगा, 8 3 24, 8 4 32, 3/4। दैट मीन आवर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्यूशन। टिल देन गुड नाइट, बाय बाय।